कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में। आपने हमारे वीडियो बहुत सारे वीडियोस को देखा, लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, आपने कमेंट भी किया और मैंने बहुत सारे वीडियो पर आपको रिप्लाई भी दिया और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉल भी किया, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। अगर आप में से कोई मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट उनको मिलता रहे। हालांकि यूट्यूब पे मैंने कुछ प्रमोशनल्स वीडियो ही सेव स्टोर किए हुए हैं, जिसको देख के आप एक्सेल की छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो एक्सेल में एक्सपर्ट बनना तो आप मेरे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे अवेलेबल है। तो आज हम एक प्रॉब्लम पे, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम पे हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। कल मिस्टर संदीप कुमार एक हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझसे एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करूँगा और मेरे पास अभी फ़िलहाल 10 मिनट का टाइम था तो मैं सोचा कि वीडियोज बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। क्वेश्चन क्या है, उनके पास कुछ वैल्यू है, जो वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं ये कुछ वैल्यू है। अब उन्हें क्या करना है कि इन वैल्यू में से सिर्फ पॉजिटिव नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, कि जितने भी नंबर यहाँ दिख रहे हैं उसमें से पॉजिटिव नंबर यहाँ पे शो होने चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं शो। तो चलिए इसके लिए हम लगाते हैं। तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले इसका लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम सिंपल सा एरे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल एक्सेल से होगा नहीं। एरे फॉर्मूला में देंगे कंडीशन कि इफ जो डेटा है उस डेटा को हमने सिलेक्ट किया, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी जो रो नंबर है वो रो नंबर यहां शो होनी चाहिए। और इसमें हमने रो नंबर शो होनी चाहिए और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया और स्मॉल में हम यहाँ पे जो है वापस रो लगा देते हैं। नहीं, ये गलत होगा, ये फिर लगा के देखते, लेकिन मेरे अंदाज से गलत होगा, मैं ये पहली बार कर रहा हूं। और एक एरिया लेते हैं, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बोला था गलत होगा, कुछ इसी तरह का है लेकिन अलग तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए अब चलिए एक और तरीका इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल इफ हमने डेटा को सिलेक्ट किया और बोला एक ग्रेटर देन जीरो है तो रो के अंदर में हम देंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में देंगे हम यहां पे एक से लेके एंड और यहां पे रो की जगह पे रोज लगाएंगे और अपने डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम रो को क्लोज किया, इफ को क्लोज किया और यहां पे हम आते हैं स्मॉल। स्मॉल में भी सेम कंडीशन जो हमने वहां दिया है रो इनडायरेक्ट वाला, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए या फिर मैन्युअली आप इसको लिख सकते हैं। तो हम यहां देते हैं रो, रो में हम देंगे यहां पे इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम यहां देंगे 1 के साथ कॉनकटानेट रोज एंड रोज में हम इसको सेलेक्ट करेंगे।
इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, रो को भी क्लोज कर दिया और स्मॉल कर दिया, और उसके बाद नीचे तक ड्रैग करते हैं, F2 प्रेस करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार देते हैं। इसमें नीचे एरर आने के चांसेस हैं, तो एरर से निपटने के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे ताकि जो नम का एरर है वो ब्लैंक हो जाए, इफ एरर, और यहाँ पे हमने ब्लैंक हो गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ब्लैंक हो गया। और फिर यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स या ऑफसेट, जो आपकी सहूलियत हो वो आप लगाइए, और ये आपका रो नंबर हो जाएगा। रो नंबर में प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से नहीं है, हमने स्टार्टिंग से ले लिया है, इसलिए प्लस वन कर दीजिए, रिजल्ट आपका। और इसमें भी इफ एरर लगा दीजिए ताकि एरर ना आए, और दोनों फॉर्मूला को आप इकट्ठा एक साथ भी कर सकते हो। हमने अलग अलग बताया ताकि आपको ज़्यादा लंबा फॉर्मूला हो जाएगा तो कभी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी तो इसे समझने में, इसलिए हमने उसको बताया। अब देखिए इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, माइनस वैल्यू को इसने इग्नोर कर दिया, जैसे 85 ये प्लस है, अगर मैं जैसे इसको माइनस करूँगा लिस्ट से गायब हो जाएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है देखिए, एक बार इस फॉर्मूला को एवलेट करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली इफ क्या कर रहा है, सारे फॉर्मूले को चेक कर रहा है क्या वो जीरो से बड़ा है, जहां जहां वो जीरो से बड़ा है वहां वह इसमें ट्रू होगा। अब रो क्या कर रहा है, रो बता रहा है कि टोटल डेटा कितना है, और इनडायरेक्ट के साथ मिलकर कॉन्कटानेट हो रहा है, एक से लेकर 13, लेकिन रो को जो चाहिए एक से लेकर 13 एज ए रेफरेंस फॉर्मेट में चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट करता है रेफरेंस में, तो रो टूट जाता है एक से लेकर 13 तक में, और जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू को शो कर देता है, जहाँ जहाँ फॉल्स है वहाँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली फॉल्स है। अब स्मॉल को इतने सारे नंबर मिल गए, इसमें से वन बाय वन उसको जो है ना छोटा उठाना है, देखिए वन बाय वन छोटा उठाना है, तो रिजल्ट आपका आता रहेगा नम नम नम, और रिजल्ट आपका टू आ गया। तो ये मेथड है, तो एरे फॉर्मूला में और ज्यादा इस पे आप ये कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ए थी एग्जाम्पल कि एक्सट्रैक्ट ओनली पॉजिटिव नंबर फ्रॉम द योर कॉलम यूजिंग द एरे फॉर्मूला, और इसको VBMR के प्रोग्रामिंग से तो और आसान हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश करें, कि जितना ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतनी ज़्यादा मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा नए नए वीडियो अपलोड करने का। अगर आपको हमारी क्लासेस लेनी है, आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, जो कि आप अपने घर पे बैठ के ले सकते हैं। अगर आप क्लास लेने में थोड़ा भी इच्छुक हैं, थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट है, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दें, दो चार क्लास डेमो लें, अगर डेमो लेने के बाद लगता है कि हाँ एक कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करें। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।